हेलो फ्रेंड्स, वन जंक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लिख रहा हूं और एक खास खबर जो कि जुड़े भैया कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि भैया लव आजकल 2 से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि लव आजकल 2 जो है वो 14 फरवरी को सिनेमाघर में एंट्री मार लेगी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन। तो भैया इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को स्वीकृति दे दी गई है सिनेमाघर में रिलीज करने की, यानी कि भैया वहां से सर्टिफिकेट मिल चुका है इस फिल्म को UA का। और इसी के साथ साथ ये खबर भी निकल के आ रही है कि भैया सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर थोड़ी सी कैंची भी चलाई है। तो आपको तो याद ही होगा कि इस फिल्म के टीजर में आपने कुछ इंटीमेट सीन्स देखे थे किसके किसके बीच, तो भैया कार्तिक आर्यन और सारा अली खान के बीच में। तो उन सीन्स पर चल गई है कैंची और उसी के साथ साथ सेंसर बोर्ड ने यह निर्देश भी दिया है इस फिल्म की टीम को कि भैया इस फिल्म में अगर कुछ आपत्तिजनक सीन और हैं तो उसे ब्लर करके दिखाया जाए। यानी कि यूए के सर्टिफिकेट के साथ यह फिल्म सिनेमाघर में एंट्री मारेगी 14 फरवरी को। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा कि जो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को लेकर फैसला लिया है वो सही है कि नहीं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।